दोस्तों आज देख सकते हो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग आज बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो हेलो हाय पैलक प्रणाम, कैसे हैं सब लोग। आज आपको ले जाने वाला एक विशेष जगह, आप देखिए आप, बहुत ही सुंदर आज ब्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों आज देखते रहे आप, हम लोग जाने वाले हैं आज तीर्थ नगरी और वहाँ से फिर हमारा दूसरा ब्लॉग शुरू होगा और दिखाएंगे आपको हम आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो आप देखते रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे लास्ट में कि हम कहाँ कहाँ पे गए। तो इसी के साथ, और ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं हनुमान जी, ये मंदिर भी यहाँ पर पहुँच गया। और हम ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये, और हम निकल चुके हैं ऋषिकेश की ओर और देखते हैं ऋषिकेश से भी कहाँ के लिए होता है। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, यही हमारी डेस्टिनेशन थी। तो आपको दिखाएंगे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और रेल लाइन, जो ऋषिकेश कंट प्रयाग रेल लाइन है ना, वो दिखाएंगे आपको। ये है ऋषिकेश से जो कंट प्रयाग के रेल लाइन जा रही है ना, ये रेल लाइन है। ये बहुत बड़ी नदी है, अभी तो पानी है, बरसात में लवाला भरी रहती है। इसमें जो है पटरी भी बीत चुकी है, आप देख सकते हैं। ये है ऋषिकेश का क्षेत्र, और इधर है रेलवे स्टेशन, वो आगे रेलवे स्टेशन है। इधर ये पुल है, ब्रिज के उससे दिख नहीं रहा है। ये दोस्तों राम झूला, हम राम झूला पे पहुंच चुके हैं और अभी आपको और भी आगे का जो भी दिन का आज कार्यक्रम होगा ना, वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आप बने रहें। हम अभी हैं ऋषिकेश में और गंगा जी के किनारे पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बोट भी हैं, नाव यहाँ पर हैं और बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ पे पहुँचे हुए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो है रामपुर सीधे आगे, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये पूरा जो छोटी पैसेंजर नाव है, ये नाव आ रही है और वो रिवर किनारे भी आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया गंगा जी यहाँ पे, और देख सकते हैं पुल में कितनी भीड़ है, बहुत लंबी स्पान वाली जो है राम सेतु, राम पुल है ये, राम झूला जिसको बोलते हैं। ये गोरागिरी